सलार मूवी देखने के बाद काफी सारे सवाल हैं, जिसके जवाब हमें फिल्म में नहीं दिए जाते। जैसे क्या देवा को पता है कि वो खानसार की गद्दी का असली मालिक है, या किस वजह से देवा और वर्धा जो इतने अच्छे दोस्त हैं, उन दोनों के बीच दुश्मनी होती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू सिनेमा क्रेजी वीडियोस। सलार मूवी में खानसार नाम की एक सिटी दिखाई गई है। खानसार बनता है तीन कबीलों को मिलाकर, मन्नार, घनियार और सूर्यंगा, और ये इतने पावरफुल थे कि अंग्रेज जब पूरे भारत पर कब्जा कर रहे थे उस वक्त भी वो खानसार पर कब्जा नहीं कर पाते। आज़ादी मिलने के बाद खानसार इंडिया का पार्ट तो बनता है, पर वहाँ इंडिया का कोई नियम लागू नहीं होता, पर खानसार के सारे नियम इंडिया में लागू होते हैं। सारी गन्स की ट्रैफिकिंग, गैम्बलिंग, ड्रग्स और सारे इलीगल काम में खानसार का एक हिस्सा होता है, और उसे इंडियन गवर्नमेंट भी चैलेंज नहीं करती, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में कई लोग खानसार के पैसों पे पलते हैं। खानसार को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए शिव मन्नार ने इसे 100 भाग में बांट दिया था, जिसमें 61 भाग दिए गए कापड़ को, जिनका एक वोट एक ही माना जाता है। इन्हें हम गवर्नर रैंक की तरह समझ सकते हैं। उसके ऊपर होते हैं 8 सरदार, जिनमें से एक सरदार के पास 3 वोट होती है, और सबसे ऊपर होता है करता यानी खानसार का राजा, जिसके पास 15 वोट है। पर खानसार में प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 1985 में खानसार के करता शिव मन्नार की मौत होती है, और उसके बाद कुर्सी नियम के हिसाब से मिलनी चाहिए थी सूर्यंगा ट्राइब के हेड धरा को, लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को गद्दी चाहिए थी, इसीलिए वो रातों रात सारे सूर्यंगा का मैसेकर करवा देता है। सूर्यंगा ट्राइब का एक एक इंसान बहुत पावरफुल होता है, इसलिए राज मन्नार ऑर्डर देता है किसी को भी नहीं छोड़ने की, बच्चे बूढ़े महिला सबको मार देने की, और उस रात ऐसा ही होता है। उसके बाद राज मन्नार खानसार की गद्दी पर बैठ जाते हैं और 25 साल तक राज करते हैं। वो 5 सरदार का पोस्ट घनियार को दे देते हैं ताकि वो भी मन्नार के खिलाफ न जाए। अब खानसार में बस 2 ट्राइब है, मन्नार और घनियार। राजा मन्नार का एक बेटा होता है वर्धा, जिसका दोस्त है देवा, और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। वर्धा के लिए देवा सबसे लड़ जाता है, और बचपन में जब देवा की माँ पर मन्नार के लोग अटैक करने आते हैं तब वर्धा उन्हें बचाता है। उस वक्त देवा वर्धा को बोलता है कि वो हमेशा उसकी मदद के लिए आएगा जब भी वो उसे बुलाएगा, और 25 साल बाद जब खानसार में माहौल खराब होता है तब वर्धा देवा की मदद लेता है, और देवा आता है उसकी मदद करने को। फिर वर्धा देवा को कहता है कि अब उसे खानसार की गद्दी पर बैठना है, और देवा उसे ये प्रॉमिस भी करता है। पर फिल्म के एंड में रिवील होता है कि देवा सूर्यंगा ट्राइब का लीडर धरा का बेटा है, जिसे वर्धा का पिता मार देता है, और इसीलिए देवा खानसार की गद्दी का असली मालिक है। उस रात सूर्यंगा ट्राइब के लोगों ने अपने बच्चों को किसी तरह से मन्नार के लोगों से बचा लिया था, और अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें बदला चाहिए। फिल्म क्योंकि 2017 में शुरू हुई है और सारे इवेंट्स 2010 में खत्म हुए हैं, तो फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि खानसार की गद्दी पर वर्धा बैठा हुआ है, और देवा अब अपनी माँ के साथ इंडिया के किसी छोटे गांव में रहता है छिपकर। पर देवा ने 2010 में बहुत कांड किए हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोग उसे खोज रहे हैं पिछले 7 साल से। फिल्म के लास्ट में हमें देवा दिखता है अपनी सूर्यंगा ट्राइब के स्टाइल में तलवार भांजते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि उसे पता है कि वो किस ट्राइब से बिलोंग करता है, पर शायद उसे ये नहीं पता कि उसके पापा को किसने मारा, क्योंकि जैसा वो कैरेक्टर है अगर उसे पता होता तो वो बचपन में भी अकेले निकल जाता उनकी मौत का बदला लेने। सलार फिल्म की पार्ट 2 सूर्यंगा पाड़वाम है, वो 2 भाग में चलेगी। एक भाग हमें दिखाएगी 2010 की कहानी, जिसमें हम सलार पार्ट 1 के क्लाइमेक्स की कहानी कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे कि कैसे वर्धा को गद्दी मिलती है और उसकी मदद देवा करता है, पर सब कुछ करने के बाद भी दोनों अलग हो जाते हैं और देवा अपनी माँ के साथ रहने लगता है। और दूसरे भाग में हम देखेंगे कि जब आद्या को बचाने के लिए देवा ने खानसार के ट्रक को रोका, उसके बाद वर्धा किस तरह से उसे लड़ेगा, क्योंकि उसने बोला था कि खानसार के ट्रक को कोई भी रोकेगा तो उसे मरना होगा, और ये नियम देवा ने ही बनाया था, और आज चाहे उसी ने ट्रक को रोका हो पर नियम के अनुसार उसे भी मरना होगा। पार्ट 2 सच में एक्साइटिंग होने वाला है। आपकी क्या थ्योरी है पार्ट 2 को लेके, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फिल्मों से जुड़े डिस्कशंस और रिव्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।